जिहड़ी घटना वापरी सी सैक्टर 19 दे स्कूल च उसे थां ते असीं मौजूद हाँ। स्कूल दे जिहड़े टीचर्स ने उन्हां वल्लों रोस जिहड़ा उह जताया जा रहा है। 12 तों 2 वजे तक पेन डाउन जिहड़ा है उह कीता गया। इस वेले साडे नाल स्कूल दा स्टाफ मौजूद है, इहनां नाल गलबात करांगे कि इंसीडेंट होया सी कि मतलब बच्चे ने इन्ना वड्डा जिहड़ा कदम चुक लिया, सिर ते जिहड़ी राड जिहड़ी है उह प्रिंसीपल ते मारी है। देखो पहली गल तो यह जी कल इंसीडेंट होया बहुत मंदभागे इंसीडेंट होया, अभी घोर निंदा करते हैं सारे टीचर कम्युनिटी की। तो जो कल होया वो टीचर हैडमास्टर का जो नौ हाई स्कूल साडा नाल वाला है, ये गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल मॉडल स्कूल है, उत्थे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो उस हैडमास्टर जो अपने एंटर कर लग्या उसदे ते एक 9th क्लास का बच्चा जी स्कूल का सीगा, उन्हें सर दे रॉड पहले पिछे हमला किया तो वो सानू चलो फिर वो फ्रंट से किया, सर दे जो सर थले डिग गए उदों भी वार करता रहा, आले दुआले जो टीचर खड़े से बच्चे उन्होंने पकड़िया, उन्होंने बच्चे ने पकड़िया हटाया। तो असं जो बच्चे के स्पोर्ट से पहुँचे उत्थे लथ पथ खून के नाल साडा हैडमास्टर पिया सीगा, असीं उन्हें बचाने की कोशिश की, लाड़े बच्चे ने पूछा बेटा आपने क्यों पीटा इसको, तो बच्चे का जवाब था क्लीयरली कहते मैं तो ऐसे ही पीटूंगा। मैं बेटा क्यों पीटेंगे आप, कहते सर मुझे टोकते थे इधर आने से। मैं कहा रोकना टोकना ये गुनाह हो गया सर का, अगर आपके पेरेंट्स में आपको टोकते फिर, कहते पेरेंट्स तो मुझे कुछ कहते नहीं। मतलब अब ये सोचने वाली बात है, बच्चों का टीचर बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर टीचर ना टोके तो डिसिप्लिन नहीं रहता, अगर अगर टीचर टोकेगा तो ये सज़ा मिल रही है। हम ही बाल बच्चेदार हैं, हम ये कहते हैं प्रशासन को कोई बीच बटा बैठ के कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जरूर, ताकि अगे वास्ते कोई इदा दी हिम्मत ना करे, ताकि बैलेंस बना रहे टीचर ते स्टूडेंट भी। फिर अज 2 घंटे दे लई तुसीं पेन डाउन कीता है, कोई भी काम जिहड़ा है वो तुहाडे वल्लों नहीं कीता जाएगा, 3 बजे तुसीं DSP ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਬੀਂਗ ਏ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ 16 ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 12-2 ਦੇਰ ਵਿਲ ਨੋ ਟੀਚਿੰਗ ਵਰਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅਨੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ 12-2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਵਜੇ DSP ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।